सुबह के 7:15 बजे हैं और हम यहाँ से निकल रहे हैं। सामान जो हमारा है लगे सारा बाहर आ चुका है। अभी सामान को लेके हम मेन नारा जाएंगे, वहाँ से हमारा जो सामान है वो घोड़े वाले के हाथ दे के हम खुद ट्रैक के लिए निकल जाएंगे। सुबह के 8 बजे हैं, फाइनली हमारा जो ट्रैक है वो स्टार्ट हो गया। तो अभी मैं आपको बता दूं, हम गंगबल जा रहे हैं, तो गंगबल से आगे भी जाना है। एक 1.5 घंटा चलने के बाद हमने रेस्ट करना मुनासिब समझा और हम अभी यहाँ पर बैठे हैं और पानी पियेंगे। पानी साथ में है, आगे बहुत जाना है, आपको दिखाता चलूं। ये देखें आप, हमें यहाँ से जाना है, ये हमारा ट्रैक है, फिर हमें उस साइड जाना है। यहाँ से हम आए थे, अभी बहुत सारे लोग और भी आ रहे हैं। हम मदी उत्रेश मैं चन है सुको द्रा हो ये वाला जो पोर्शन है ना, बहुत टफ है, बहुत टफ है। दूसरी मुसीबत, रास्ते जो हैं उबड़ खाबड़ है। एक और मसला ये है, बारिश ना होने की वजह से धूल बहुत है, बहुत ज़्यादा धूल है। ये यहाँ के कुछ नज़ारे, यहाँ नीचे से हम आए हैं चढ़ के। सांस इतनी फूल रही है कि बात करना मुश्किल हो रहा है। यहाँ पे हमने हमारा दूसरा रेस्ट लिया है, ज़्यादा नहीं रुकेंगे, 5-10 मिनट रुकेंगे फिर चलते बनेंगे। वो है नारानाग की बस्ती, वहाँ से हम चढ़े हैं यहाँ पे। थोड़ा सा मुझे भी दो भाई, तो क्या कर रही? हो यहाँ पे टूरिज्म वालों ने ना रेस्ट के लिए थोड़ी सी जगह बनाई है, बहुत बढ़िया जगह है भाई। लोग बैग से निकालो जो निकालना है, 5 मिनट रुकेंगे फिर चलते बनेंगे। यहाँ तो खाली नाम लिखे पड़े हैं, मार्कर आए ना। नेक्स्ट टाइम ऐसे कस्टमर हमारे साथ में बस छोटे छोटे बैग हैं, स्लीपिंग बैग्स हैं, बाकी जितना भी सामान है वो घोड़ों पे है। ये देखें जी, वहाँ से ट्रैकर्स वापस आ रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं। अभी हमें यहाँ से जाना है, यहाँ पे 10-15 मिनट और रेस्ट लेंगे, तो उसके बाद हम आगे ट्रैक स्टार्ट करेंगे। कपर गए मर्चाई पास, कपर मर्चाई ट्रैक बन की मर्चाई
ये जो डैमेज हुआ है ना यहाँ से फॉरेस्ट का, ये कुछ साल पहले क्लाउड बर्स्ट हुआ था यहाँ पे, तो ये पूरा ना टॉप से नीचे तक सारे जितने भी पेड़ पौधे हैं सारे ख़त्म हो चुके हैं। हमें बस यहाँ से जाके ये टॉप पे जाना है ऐसे घूम के, फिर हमें आगे उस तरफ निकलना है। ये यहाँ पे मैगी पॉइंट है, यहाँ पे चाय मैगी आपको यहाँ पे मिलेगा, मैगी पॉइंट ढाबा। जाना हमें यहाँ से है, ये जो रास्ता जा रहा है यहाँ से। मुश्किल पार्ट जो हमारा था वो हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिया है, अभी आगे थोड़ा सा इजी होने वाला है, फिर आगे चल के देखते हैं क्या होता है। ये जो आगे वो गली दिख रही है जहाँ से पानी दिख रहा है, पता नहीं आपको साफ दिख रहा होगा कि नहीं, ये मोरचाई पास है तो इसके आगे जाके ना मोरचाई वैली है। यहाँ से हमें थोड़ा डाउन हिल जाना है, फिर आगे से फिर से हमें चढ़ाई करनी है। इस जगह के क्या नाम है वो नहीं पता, लेकिन आगे जो जगह आने वाली है उसका नाम त्रणखोल है, तो बस आधा घंटा लगेगा त्रणखोल तक। वहाँ पे आगे कैंप भी है, वहाँ पे हमें परमिशन दिखाना है, तो उसके बाद ही आगे जा सकते हैं। 12 बज चुके हैं, 8 बजे हम निकले थे नारानाग से, तो हमें कोई जल्दी भी नहीं है, हम आराम से चल रहे हैं, क्योंकि हमें आज कहाँ पे स्टे करना है मुकीम? नंदकौल में हमें स्टे करना है और फिर आगे चलेंगे। ग्लेशियर का पानी, सबसे अच्छी बात ये साफ है। हमने आगे पानी लिया था लेकिन वो गंदा था, फिर हमने पिया ही नहीं। क्या व्यू है भाई, अल्टीमेट। मौसम अचानक से चेंज होने लगा है, अभी यहाँ पे ठंड लग रही है थोड़ी थोड़ी। ये देखें यहाँ के नज़ारे, यहाँ पे कोठे भी बहुत सारे हैं। गुजर बकरवाल कम्युनिटी के लोग यहाँ पे बहुत हैं। बहुत ही खूबसूरत, इस एरिया में पहुंचते ही ना सारी थकान खत्म हो गई। वो वहां पे है ना, वो कैंप है वहां पे, वहां पे जाके हमें एंट्री करनी है। ट्रैकिंग में सबसे बेस्ट खजूर, एंट्री हमारी हो गई, आपको दिखा नहीं सके, वहाँ पे अलाउड नहीं है। तो कैंप से आगे हम बैठे हैं, यहाँ थोड़ा पानी भी था, खजूरें खाएंगे और चॉकलेट्स लेंगे, उसके बाद